नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेन ज्ञान में। आज हम बात करने वाले हैं जयनगर से पुरी के बीच चलने वाली जयनगर पुरी एक्सप्रेस के बारे में। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए और साथ साथ रेलवे न्यूज के लिए। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। बात की जाए पुरी जयनगर एक्सप्रेस की, तो ट्रेन ऑपरेट करती है 184/19/184/20 रिवर्स डायरेक्शन। ये ट्रेन जयनगर से जो पड़ता है बिहार में, वहाँ से पुरी जो पड़ता है ओडिशा में, इसके बीच चलती है। ये एक वीकली एक्सप्रेस ट्रेन है जो कि ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन द्वारा देखरेख करी जाती है। डिस्टेंस ट्रेवल की बात करूँ इस ट्रेन की तो ये करीबन 1002 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है, वो भी अप्रोक्स 22 आवर 10 मिनट्स में। इसके करीबन 23 हॉल्ट्स हैं। ऑपरेटिंग स्पीड की बात करूँ दोस्तों तो 49 kmph मिनिमम लोडिंग हॉल्ट स्पीड है और 110 kmph मैक्सिमम है। क्लासेस की बात करूँ, पहले इसमें ICF रेक शेयर होते थे बट अभी रिसेंटली इसमें LHB रेक्स लगाए गए हैं, जिसमें से एक फर्स्ट AC का कोच, एक सेकेंड AC, 4 थर्ड AC, 10 स्लीपर क्लास, 4 जनरल अनरिजर्व्ड और 2 EOG का यूज़ होता है। इसमें पेंट्री कार नहीं है, इसके लिए आपको ऑनबोर्ड कैंटीन या ई कैंटीन की सुविधा आपको इसके अंदर मिलेगी। रूट से हॉल्ट की बात करूँ तो जयनगर जंक्शन से निकल के दरभंगा जंक्शन, समस्तीपुर जंक्शन, बरौनी जंक्शन, कियूल, JCD, आसनसोल जंक्शन, हिजली, कटक, भुवनेश्वर होते हुए पुरी पहुंचती है। ट्रैक्शन की बात करूं तो जयनगर से समस्तीपुर के बीच में समस्तीपुर शेड का WDM-3A का लोकोमोटिव यूज होता है। फिर उसके बाद समस्तीपुर से पुरी तक आसनसोल शेड का या आसनसोल का कहीं का लोकोमोटिव WAG-5P गुड्स ट्रेन का लोकोमोटिव यूज होता है। थोड़ा अटपटा भी सुनने को लग रहा है बट गुड्स ट्रेन का इसमें लोकोमोटिव यूज होता है टिल पुरी तक। टाइमिंग्स की बात करूँ दोस्तों तो वीकली ट्रेन है तो ये दिन में, मतलब वीक में एक ही दिन निकलती है, जो 184/19 जो है पुरी से हर थर्सडे के दिन में 2:25 पर निकलती है और अगले दिन जयनगर 1:35 पर पहुंच जाती है। फिर 184/20 जो है वो जयनगर से हर सैटरडे को निकलती है सुबह 5 बजे और अगले दिन पुरी सुबह 3:10 पर पहुंच जाती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक, कमेंट और शेयर करना।